Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 19 of the course Business System Development. Today we will be talking about the distributed systems and how they are connected through the internet connection. So we are going to design, we are going to look into the design details of such system, where there will be a client and there will be a server, and client is going to request something from the server. So these two entities are at different locations. If you are going to design such systems, then you have to keep in mind certain design constraints, certain design specifications. What are these? We are going to look into those details in today's lecture. Before I formally start today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. In last lecture, we talked about the graphical user interface and the dialogue. हम जानते हैं कि हमारे पास command line interface है और हमारे पास graphical user interface है. जब graphical user interface और Windows इतना आम नहीं था, इतना famous नहीं था, so mostly softwares के साथ interaction commands के through होता था. अभी भी commands के through certain applications हैं जो कि command based चलती हैं, जैसे कि आपके Microsoft में भी अगर आप command line के through भी करना चाहें तो वहाँ पे भी होता है. जिसकी example मैं ऐसे दे सकता हूँ कि let's say अगर आप Notepad खोलना चाहते हैं, ठीक है, so आपने start menu press किया, यहाँ पे आपने Notepad लिखा, ठीक है, और ये आपने select कर लिया, so ये command से Notepad खुल जाता है. बिल्कुल इसी तरह हमारे पास आप यहाँ पे आइकन्स भी बने हुए हैं, आइकन से जाकर भी आप नोटपैड वगैरह या सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप खोल सकते हैं, जैसे कि इसको क्लिक करने से भी. सो कमांड के थ्रू भी खुला है और जो है वो आपका जो बटन्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लिंक्स हैं, उनके थ्रू भी ये ओपन हो सकता है. हमने डायलॉग की बात की. डायलॉग में क्या है कि सीक्वेंस ऑफ इंट्रैक्शन को बताया जा रहा है, ठीक है. अगर आपने अपनी ईमेल प्रिंट करनी है, सो ईमेल प्रिंट करने से पहले कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं, जो कि ये होगा कि सबसे पहले आप लॉगिन स्क्रीन पर जाएंगे, वहाँ पे करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे. लॉगिन होने के बाद आपके पास सारी ईमेल जो इनबॉक्स में है वो डिस्प्ले हो जाएंगी. उसके बाद उस ईमेल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद उसमें अगर कोई अटैचमेंट है तो वो ओपन करेंगे और फिर आप प्रिंट करेंगे. सो प्रिंट करने से पहले पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, पूरा एक डायलॉग था. सो यूज़र ने क्या चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है, ये जो है वो एक डायलॉग से के थ्रू ये चीज़ें चल रही होती हैं. हमने जो है वो क्वालिटी के हिसाब से सॉफ्टवेयर को देखा था, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को देखा था. हमने ये बात की थी कि क्वालिटी आप कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आप डिज़ाइन में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज डिज़ाइन नाउ. अगर एक दफ़ा डिज़ाइन फाइनलाइज हो गया और उस पर कोडर्स ने कोडिंग शुरू कर दी और वो कोड हो गया, फिर उसमें चेंजेस हो जाएंगी, लेकिन दैट वुड बी टू मच कॉस्टली, दैट वुड बी डिमांडिंग एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है. सो इंस्टेड के कोई चीज़ आप इम्प्लीमेंट कोड करके फिर चेंज करें, बेहतर है कि अपने डिज़ाइन को दोबारा देखें, उसको टेस्ट करें, उसमें क्वालिटी चेक करें. और क्वालिटी चेक करने का मयार ये है, हमने डिफरेंट तरीकों से देखा था, एक मयार इसमें यह है कि आप यूज़र की रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी हो रही हैं, जिस तरह यूज़र चाहते हैं, अगर वो चीज़ें हो रही हैं, सो ये एक क्वालिटी का एस्पेक्ट है. हमने स्ट्रक्चर चार्ट्स भी देखे थे. स्ट्रक्चर चार्ट्स यूजली आपके डायलॉग्स को शो करते हैं. इसके अलावा हमने प्रोटोटाइप की भी बात की थी. प्रोटोटाइप्स आप डिज़ाइन के बाद जो डिलीवरेबल है, जो आउटकम है, वो आपकी प्रोटोटाइप भी हो सकती है. आप इसको डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं और आप प्रोटोटाइपिंग को एज अ सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हम डिज़ाइन की बात करें और डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, और अगर हम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स की बात करें, सो हमने ये देखा था कि बाज़ुकात फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डिज़ाइन करने के लिए प्रोटोटाइप किया जाता है. उस फॉर्म का प्रोटोटाइप बनाया जाता है, वो प्रोटोटाइप कस्टमर को दिखाया जाता है. कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो वेल एंड गुड,
नहीं है तो उसको रिपीट किया जाता है उस वक्त तक जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए, और लेटर ऑन ये प्रोटोटाइप फिर डेवलपर कोड कर लेता है। सो एक प्रोटोटाइप का ये एस्पेक्ट था। हमने प्रोटोटाइप का दूसरा एस्पेक्ट ये देखा था कि आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस पर, रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। आप डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। सो बेसिक आइडिया को सामने रखते हुए आप इंस्टेंटली फौरन उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बनाया और वो कस्टमर को दिखाते हैं कि जैसा आप सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं उसकी डेवलपमेंट हमने की है, बताएं कि ये कैसा है। सो वो कस्टमर उसमें चेंजेस सजेस्ट करता है, आप इस प्रोटोटाइप को इवॉल्व करते हैं, इसमें मजीद चेंजेस इनकॉर्पोरेट होती हैं, फिर आप कस्टमर को दिखाते हैं, फिर वो चेंजेस सजेस्ट करता है। सो ये साइकिल चलती रहती है, ये आपका प्रोटोटाइप इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसको हम इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप कहते हैं, उस वक्त तक जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है कि यस दिस प्रोटोटाइप इज नाउ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, ये अब कंप्लीट जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, तो फिर आप इस प्रोटोटाइप को एज अ फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर रिलीज कर देते हैं। सेपरेट डेवलपमेंट आपने कोई नहीं की, आपने इस प्रोटोटाइप को यूज किया और इवॉल्व हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ इटरेशन ये इंप्रूव होता गया, जब कंप्लीटली रिफाइंड हो गया सो आपने इसको जो है वो एज अ सॉफ्टवेयर रिलीज कर देते हैं। ये था इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। एक था थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग क्या है, आपने एक प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है, दिखाया, कस्टमर ने कहा ठीक है, आप इस प्रोटोटाइप पर फिर फर्दर डेवलपमेंट नहीं करते, उस प्रोटोटाइप से जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन जो चीजें आपको आ गई हैं वो फिर आप लेटर ऑन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में यूज करते हैं, ठीक है। जब आप डिटेल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो वहां पे फिर आप प्रोटोटाइप से जो चीजें आउटपुट आई थी, जैसे कि लेआउट था, जैसे कि बटन्स का स्टाइल था, जो भी कलरिंग थीम थी, जैसे भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, जो बिहेवियर था, वो सारा नोट करके आप एक्चुअल डेवलपमेंट में करते हैं। तो हमारे पास प्रोटोटाइपिंग की दो फॉर्म्स हैं जिनको हमने देखा। हमने ये भी देखा कि आपके कुछ टूल्स हैं, केस टूल्स हैं, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप प्रोटोटाइपिंग बना सकते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज पर काम किया हो उसमें भी क्या है, कुछ टैंपलेट्स बने हुए हैं, ये भी एक किस्म का केस टूल है। टैंपलेट्स, वेबसाइट के टैंपलेट्स पड़े हुए हैं, वेब पेजेस के टैंपलेट्स पड़े हुए हैं, कलरिंग थीम, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें उसमें पहले से पड़ी हुई हैं। आप अगर किसी क्लाइंट, किसी कस्टमर के लिए एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं सो आप माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज में एक प्रोटोटाइप बना के उसको दिखाते हैं कि आप कैसे चाह रहे हैं, ठीक है। आपके इमेजेस यहां पर होंगे, आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन यहां पे होगी, ये लॉगिन स्क्रीन होगी, इसके बाद आप इस पेज पे जाएंगे, टोटल इसमें लेट्स से 20 पेजेस हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपने माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज के टैम्पलेट में इनकॉर्पोरेट की। सो ये आपका एक किस्म का एडिंग टूल था जिसको यूज करते हुए, इंस्टेड कि आप स्क्रैच से एक वेबसाइट बनाते, पूरा HTML का कोड लिखते, वो पहले से बना हुआ है, ठीक है, आपने उसको यूज किया, रिफाइन किया, और लेटर ऑन आप अगर चाहें तो इसी को ही इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप बना के और इसी को ही एज अ फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर रिलीज कर सकते हैं, या आप जो है वो जो स्पेसिफिकेशन आ गई उसकी बेस पे स्क्रैच से एक वेबसाइट बना सकते हैं। हमने डिजाइन स्पेसिफिकेशन और फाइनलाइजिंग, जब हम डिजाइन स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि गुड डिजाइन क्या है और बैड डिजाइन क्या है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स हमने देखी। स्पेशली वेबसाइट के बारे में हमने देखा कि वेबसाइट क्या कर रही है, वेबसाइट में कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं, कुछ बैड प्रैक्टिसेस हैं। गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं कि आपके एक पेज पर ढेर सारी डॉक्यूमेंटेशन ना हो, स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग पेज है तो आप उसको दो तीन पेजेस में स्प्लिट कर दें। आपके हैवी इमेजेस ना हो जिनको लोड होते हुए टाइम लग जाएगा। आपकी कोई एनिमेशन कंटिन्यूस फॉर्म में ना चल रही हो बल्कि लाइट वेट इमेजेस आप रखें। सो ये कुछ गुड प्रैक्टिसेस थी। इसके अलावा एजाइल मेथोडोलॉजीज को और बाकी जो आपकी नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस वाली, उनको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कंपेयर किया और हमने देखा कि कौन सी अप्रोच जो है वो ज्यादा मौजू, ज्यादा सुटेबल किन केसेस में हो सकती है। आज इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसिस की, और कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जैसे मिडलवेयर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट्स की क्या क्या जो है वो स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या चीज़ें जहन में रखते हुए
हमें एक क्लाइंट सर्वर बिजनेस सिस्टम डेवलप करना चाहिए, इसको भी देखेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टम किसी एक फिजिकल लोकेशन, किसी एक जियो लोकेशन पर नहीं होता, बल्कि उसकी कुछ नोड्स यहां पर हैं, कुछ नोड्स, कुछ डिवाइसेस किसी दूसरी लोकेशन पर हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं। ठीक है, सो इनको डिजाइन करते हुए ऐसे अगर बिजनेस प्रोसेसेस हैं तो आप इनकी डेवलपमेंट में किन चीजों का ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में भी इसको देखेंगे। सो हियर इज आवर एक्चुअली वर्क फ्लो। हम डिजाइन फेज पर हैं, डिजाइन फेज पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस करनी, डेटाबेसेस, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, डायलॉग इंटरफेसेस, डिजाइन स्पेसिफिकेशन को हमने फाइनलाइज कर दिया आज के लेक्चर में, और इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंटरनेट सिस्टम्स की बात करेंगे। आज के लेक्चर में मेनली फोकस होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का, और अगले लेक्चर में फोकस होगा इंटरनेट सिस्टम्स का। सो हम इसको इंशाल्लाह आज डिटेल में देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होते हैं, पहले तो देखें कि सिंगल लोकेशन सिस्टम क्या होते हैं। सिंगल लोकेशन सिस्टम क्या है कि आपकी सारी डिवाइसेस एक ही जगह पे, एक ही फिजिकल लोकेशन पे पड़ी हुई हैं, वहीं सही एक्सेस हो रही हैं, वहीं सही यूज हो रही हैं। जिसके मुकाबले में डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन क्या है या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस पर पड़े हुए हैं, उनके कुछ डिवाइसेस, कुछ यूजर्स एक लोकेशन पर हैं, कुछ डिवाइसेस, कुछ यूजर्स दूसरी लोकेशन पर हैं। जिसकी एक जो वेरी कॉमन एग्जांपल हो सकती है वो आपका वी कॉमसेट्स है, वो आपका वी कॉमसेट्स का LMS सिस्टम है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसके सर्वर्स समवेयर इन इस्लामाबाद पड़े हुए हैं, इसके एंड यूजर्स कुछ एक लोकेशन पर हैं, कुछ दूसरी लोकेशन पर हैं। ठीक है, कुछ लेट्स से कोहाट रीजन में हैं, कुछ जो है वो चित्राल रीजन में हैं, कुछ अहमदाबाद रीजन में हैं, कुछ लाहौर रीजन में हैं। सो सर्वर एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, जिसको एक्सेस करने वाले डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले यह कि मल्टी लोकेशन डिप्लॉयमेंट होती है। अब यह भी नहीं है कि आपके सारे के सारे सर्वर्स जो है वो आप एक ही जगह पर रख दें, सर्वर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ सर्वर्स इस फिजिकल लोकेशन पर होंगे, कुछ सर्वर्स दूसरी फिजिकल लोकेशन पर होंगे, और रीजन ये है कि अगर आपने सारे सर्वर्स एक जगह पर रख दिए, सारे सर्वर्स आपने एक जगह पर रख दिए, और यहां पर अगर कोई मिसहैप होता है, कोई पावर ब्रेक डाउन होता है, कोई खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, कुछ और चीजें होती हैं, नेटवर्क यहां पर डाउन हो जाता है, आपके जितने भी सर्वर्स थे 10-12 वो सारे के सारे डाउन हो जाएंगे और सारे के सारे यूजर्स डिसकनेक्ट हो जाएंगे। तो सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए आपने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन पर सर्वर्स रख दिए, 6 सर्वर एक जगह पर रख दिए, 6 सर्वर दूसरी जगह पर रख दिए, कि अगर खुदा ने वास्ता मिसहैप होता है तो 12 के 12 सर्वर्स फेल नहीं होंगे, 6 सर्वर्स फेल होंगे, 6 स्टिल जो है वो कनेक्टेड रहेंगे। तो इन चीजों को आप जो है वो कंसिडर करते हैं, मल्टी लोकेशन डिप्लॉयमेंट होती है। स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एक्सेस कैसे किया जाएगा, कैसे, क्या रिमोट मैकेनिज्म है जिसको यूज करते हुए आप अपने इन सिस्टम्स को एक्सेस करेंगे। वी कॉमसेट्स और LMS के केस में आपका मेन जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है वो इंटरनेट है। इंटरनेट होगा तो रिमोट एरिया में बैठा हुआ एक स्टूडेंट इस्लामाबाद के वी कॉमसेट्स के सर्वर को एक्सेस कर सकेगा, LMS सर्वर को एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, सो इंटरनेट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं जब ऐसे सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। सिंगल पॉइंट, आपकी सिंगल लोकेशन जो सिस्टम है उसमें फेलियर के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है यहां पर फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, फेलियर अपॉर्चुनिटीज यहां पर ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि लेट्स से आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो इसमें मेन चीज है। अब बाज़ुकात इंटरनेट कनेक्शन पुअर होता है, बाज़ुकात इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग है। आप में से बाज़ यूजर्स होंगे जो कि वायरलेसली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू देयर सेल फोन या थ्रू देयर जो आपकी ईवो विंगल या USB डोंगल है उस डिवाइस से वायरलेसली कनेक्टेड हैं। अब वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इटसेल्फ डिपेंडेंट है सर्टन कंडीशंस पर, वेदर पर। अगर स्टॉर्मी वेदर है, ठीक है, उस दिन सिग्नल वीक होंगे। अगर जो है वो आसमान पर बिजली कड़क रही है उस दिन जो है वो सिग्नल वीक होंगे। ठीक है, सो ये एक एस्पेक्ट है, एक चीज है जो कि फेलियर को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बढ़ाती है। दूसरे इसकी और भी कई रीजन हो सकती है, आपके कुछ यूजर एक जगह पे बैठे हैं, कुछ यूजर दूसरी जगह पे बैठे हैं, अचानक
लोकेशन बी के यूजर्स को कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, लोकेशन ए के यूजर्स ठीक हैं, वो कनेक्टेड हैं, लोकेशन बी के यूजर्स जो है वो उनको प्रॉब्लम। अब ये आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे मसला है, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, यहाँ पे भी आपके इश्यूज आ सकते हैं। सपोर्ट टीम की बात करें, सपोर्ट टीम कहाँ पे बैठेगी, आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पे बैठेगा, ठीक है। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो जो सर्टन इश्यूज हैं जिनको जहन में रखते हुए आपको सिस्टम डिजाइन करना चाहिए वो है, यू हैव टू इंश्योर रिलायबिलिटी, ठीक है। ऐसा ना हो कि रिमोट बैठा हुआ एक यूजर जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है और सिस्टम कनेक्ट ही नहीं हो रहा, कभी कनेक्ट होता है कभी कनेक्ट नहीं हो रहा, कभी यूजर नेम उसका ठीक लग जाता है, कभी यूजर नेम जो है वो एक्सेप्ट ही सिस्टम नहीं कर रहा, ठीक है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए। नेटवर्क जो है वो हमने कई दफा ऐसे देखा है कि आप कोई सर्वर एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक मैसेज आता है कि द सर्वर इज टेम्पररीली डाउन, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि आप करंटली उसको एक्सेस नहीं करना कर सकते, ठीक है, वो करंटली डाउन है, उसको रिकवर होने में 10-15 मिनट लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन करंटली वो डाउन है। सो ये आप ख्याल रखेंगे इस चीज़ का कि वो रिलायबल होना चाहिए, कोई भी यूजर किसी भी वक्त एक्सेस करे, चाहे वो पीक लोड के आवर्स में एक्सेस कर रहा है या ऑफ पीक आवर्स में एक्सेस कर रहा है, वो रिलायबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, ऐसा ना हो कि कभी आप सिस्टम लॉग इन कर रहे हैं और लॉग इन ही नहीं हो रहा, आपके सारे पासवर्ड्स वगैरह जो हैं वो वॉश हो जाएं, इरेज हो जाएं, डाटा जो है वो इरेज हो जाए, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है। अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है कि आप बैकअप रखें, बैकअप रखें अपने डाटा का। जैसा हम बहुत से ऐसे केसेस हैं, सेंसिटिव डाटा है, सेंसिटिव डाटा को बैकअप किया जाता है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स की, स्टूडेंट्स के अकाउंट इन्फॉर्मेशन की, तो इसको ज़रूर बैकअप किया जाता है, ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को बैकअप किया जाता है, इसलिए कि खुदा न खास्ता अगर जिस लोकेशन पर आपने रखा है वो सर्वर पर रखा है, किसी टेप ड्राइव पर है, किसी हार्ड डिस्क पर है, वो अगर क्रैश हो गई तो स्टूडेंट्स के तो सारे रिकॉर्ड्स जो है वो वैनिश्ड हो जाएंगे, इरेज्ड हो जाएंगे। आप कहाँ से रिकवर करेंगे कि किस स्टूडेंट ने किस सेमेस्टर में के किस मॉड्यूल में कितना स्कोर किया है, ये सारी चीज़ें इरेज हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में कि आप बैकअप्स रखें। इसलिए अगर कस्टमर्स की एग्जांपल लें, कस्टमर ने लेट से पिछले 6 महीनों में 45,000 रुपीज़ की शॉपिंग की, टोटल उसने 28,000 पे किए, अभी भी रिमेनिंग कुछ पैसे रहते हैं, ठीक है, अगर ये चीज़ डाउन हो गई, ये रिकॉर्ड इरेज हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, वो रिकवर ना हो सका, तो आप कहाँ से रिट्रीव करेंगे, ठीक है। तो ऐसे डाटा को ज़रूर डाटाबेसिस को बैकअप किया जाता है, रिकॉर्ड्स को बैकअप किया जाता है। हाँ, अगर कोई स्टैटिक वेबसाइट है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है, उस केस में लेट से हम कहते हैं कि कोई पिकनिक स्पॉट है, कोई रेस्टोरेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ पर है, उनका मेन्यू क्या है, वो क्या चीज़ें ऑफर करते हैं, कौन सी डिश की क्या प्राइस है, ठीक है, ये अब एक स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। इस केसेस में भी आप ख्याल रखना चाहिए कि ये भी अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन अगर ये डाटा लॉस हो जाता है, इसका नुकसान उस तरह नहीं होगा जिसना अगर कि अगर डेटाबेस में कोई डाटा लॉस हो जाता है। सो अवेलेबिलिटी का ख्याल रखेंगे, सर्वाइबिलिटी, ठीक है, सर्वाइव करें हर किस्म के सरकमस्टांसिस में, जैसा मैं कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि पीक आवर्स में लोड आए तो जो है वो सर्वर डाउन हो जाए। जैसा हम कहते हैं कि आपके सेशनल एग्जामिनेशन है, अब सेशनल एग्जामिनेशन है, आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम जब दे रहे हैं तो सिर्फ आप अपने स्टडी सेंटर में बैठकर एग्जाम नहीं दे रहे, ठीक है, बल्कि ऐसे हज़ारों स्टडी सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान में और ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जो कि एट द वेरी सेम टाइम एग्जाम दे रहे हैं। तो सर्वर में फिर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हज़ारों स्टूडेंट्स जो एक्सेस कर रहे हैं, हर एक को एंटरटेन करे, हर एक को रिस्पॉन्स दे। ऐसा ना हो कि जब रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाए और जब रिक्वेस्ट का फ्लड आए तो वो सर्वर डाउन हो जाए और सारे स्टूडेंट जो हैं वो सफ़र करें और उनमें से जो है वो कोई भी अपना एग्ज़ाम ना दे सके। तो ऐसी कंडीशंस अगर आएँ तो आपके सिस्टम में सर्वाइवेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सर्वाइवेबिलिटी की एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है, हम अगर देखें हमारे जो जो कार्स, जो गाड़ियाँ हम यूज़ करते हैं, इसके इंजन्स की अगर हम बात करें, सो ये हर किस्म की कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। पाकिस्तान की अगर वेदर की बात करें तो पाकिस्तान में वेदर जो है वो 50 डिग्रीज तक भी जाता है सर्टन शहरों में, ठीक है, और पाकिस्तान की अगर कुछ शहरों की बात करें तो सर्दी में वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -4 -5 में भी चला जाता है। सो ये इंजन दोनों कंडीशंस में सर्वाइव करता है, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाएंगे इंजन सर्वाइव करता है। ऐसा नहीं है कि मौसम बहुत गर्म हो जाए तो इंजन जो है वो स्टार्ट ही ना हो, या मौसम बहुत ठंडा हो तब भी वो इंजन स्टार्ट ना हो,
ठीक है, तो सर्वाइवेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। और इसी तरह परफॉर्मेंस, रिगार्डलेस कि कितने यूजर्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, हर एक को रिस्पॉन्स टाइम अप्रोप्रिएटली मिलना चाहिए, हर एक को उसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एट द सेम टाइम लेट्स से 2000 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं सिस्टम से, वो क्विज दे रहे हैं या ऑनलाइन सेशनल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उन 2000 में से तो 1500 स्टूडेंट्स को सिस्टम अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, 500 स्टूडेंट जो है वो सफर कर रहे हैं क्योंकि वो सर्वर जो है वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ऐसे तरीकों से आप जो है वो सिस्टम को डिजाइन करेंगे कि वो पीक आवर्स में सारे के सारे यूजर्स भी अगर उसमें कनेक्ट हो जाएं तो हर एक वो प्रॉपरली एंटरटेन कर सके। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के डिलीवरेबल्स और आउटकम क्या है? हमने कहा कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को आपने डिजाइन कर दिया, आपने बता दिया कि ये लोकेशन ए है, यहां पे ये डिवाइस पड़ी होगी, ये ऑफिस यहां पे बैठेगा, लेट्स से अकाउंट ऑफिस जो है वो लोकेशन ए पे बैठेगा, यहां पे अकाउंट के 10 लोग हैं, ठीक है। इसी तरह लोकेशन बी है जहां पे एग्जामिनेशन के लोग बैठे हैं, ठीक है, और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है उसके 20 लोग जो है वो यहां पे बैठे हैं। इसी तरह लोकेशन सी पे कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है। सो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें और इसकी डिजाइन स्पेसिफिकेशन और इसके डिजाइन करने की बात करें तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच साइड, इस लोकेशन पे कौन बैठा है, क्या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इस लोकेशन पे कौन बैठा है, क्या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, और लोकेशन सी पर इसी तरह क्या हो रहा है। अगर आप वी कॉम्सर्ट्स की एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए देता हूं कि आप इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वी कॉम्सर्ट्स की अगर वेबसाइट पर जाकर देखें तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन पर काम कर रही है। आपका हेड ऑफिस जो है वो H8 इस्लामाबाद में है, जबकि आपके जो बाकी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है और स्टूडेंट अफेयर्स जो है वो I-10 सेक्टर इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन में है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपकी जो है वो H8 में हो रही है, स्टूडेंट अफेयर्स और एग्जामिनेशन के इश्यूज जो है वो दूसरी लोकेशन पर, तो कुछ स्टाफ यहाँ पे बैठा है, कुछ स्टाफ यहाँ पे बैठा है, सर्वर जो है वो एक लोकेशन पर है, ठीक है। तो ये साइट्स का हमने बताया कि कौन सी साइट पे कौन लोग बैठे हैं, ये साइट्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सर्वर्स कहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हैं, ये सारा होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा यूजेज फॉर ईच साइट, अगर हम H8 की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो लिमिटेड हैं, यहाँ पे लेट्स से 20 या 25 लोग बैठे हैं, जबकि हम I-10 वाली लोकेशन की बात करें तो वहां पे कम से कम 100 लोग जो है, 100 का स्टाफ या मोर देन 100 का स्टाफ जो है वो वहां पे बैठा हुआ है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ऑब्वियसली डाटा यूजेज बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे 150 यूजर्स हैं, यहां पे सिर्फ 25 से 30 यूजर्स हैं। डाटा बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी वो वहां पे ज्यादा चाहिए, यहां पे भी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां की नीड और वहां की नीड इसको स्पेसिफाई किया जाता है। बिजनेस प्रोसेस फॉर ईच साइट, एग्जैक्टली जैसे मैंने बात की कि इस साइट पर बैठ के क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उस साइट पर बैठ के क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। और कंट्रास्ट ऑफ अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर साइट, डाटा एंड प्रोसेसिंग नीड फॉर ई साइट, कोई अल्टरनेटिव भी आप डिजाइन करते हैं कि लेट्स से साइट ए पर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, अगर आप साइट ए पर इन ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करना चाहते तो क्या तरीका है, क्या जरूरी है कि इनको साइट ए पर ही परफॉर्म किया जाए, रीजन क्या है इनको साइट ए पर परफॉर्म करने की, वाई नॉट ऑन साइट बी या वाई नॉट ऑन साइट सी। सो इस किस्म के अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर्स को भी आप देखते हैं। इसके बाद जनाब बात करते हैं डिजाइनिंग सिस्टम्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हम जानते हैं क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क जो कि लोकली चंद डिवाइसेस चंद कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। आपके फाइल सर्वर आर्किटेक्चर लोकल एरिया नेटवर्क की बेस पर भी हो सकते हैं और यही फाइल सर्वर आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में भी हो सकते हैं। आप जब अपने रिमोट लोकेशन पर बैठकर अपनी कोई असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं तो आप सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर क्लाइंट है और आप सर्वर पर असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। और अगर लोकल एरिया नेटवर्क में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें सो लोकेशन सेम होगी, लेट्स से एक बिल्डिंग है उसी में किसी एक रूम में सर्वर पड़ा है, उस बिल्डिंग के एक रूम में सर्वर पड़ा है, दूसरे रूम में क्लाइंट बैठा है और वो सर्वर से कुछ चीजें एक्सेस कर रहे हैं या कुछ अपलोड कर रहे हैं, सो फिजिकली एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। पिछले केस में वो फिजिकली डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है, आपके घर में डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टेड है,
आपका सर्वर जहां पे पड़ा हुआ है वो डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है. सो इन चीजों को भी ख्याल किया जाता है. लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी वेरी कॉमन एग्जाम्पल आपके घर में अगर वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा है, सो ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसको हम डब्ल्यू लैन भी कहते हैं. और ये छोटा सा नेटवर्क है जिसमें आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपके और बाकी घर वालों के स्मार्टफोन्स, ये उसके साथ कनेक्ट होकर एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं. गो के घर के यूजर्स आपस में फाइल शेयरिंग कम करते हैं, मोस्टली सारे इंटरनेट के साथ ब्राउजिंग कर रहे हैं. लेकिन हम एक ऐसे छोटे से ऑफिस की बात करते हैं जिसमें हार्डली 8-10 लोग एक ही लोकेशन या एक ही रूम में बैठे हुए हैं, और वहां पे एक छोटा सा सर्वर कन्फिगर्ड है, और वहां से कोई फाइल एक्सचेंज हो रही है, और वो आपस में कनेक्टेड है, चीजें शेयर कर रहे हैं. सो हम ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं. तो जब आप लोकल एरिया नेटवर्क की डिजाइन की बात करते हैं, तो आप बताते हैं कि यहां पे केबलिंग कौन सी यूज होगी, यहां पे हार्डवेयर कौन सा यूज होगा, कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कि वर्क स्टेशन को कनेक्ट करेंगे, कंप्यूटर की टाइप क्या होनी चाहिए, फाइल सर्वर जो है वो कहां पे कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है. सो ये सारे के सारे जो है वो एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में हो सकते हैं. वो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया एक रूम भी हो सकता है, एक छोटा ऑफिस भी हो सकता है, और एक छोटी सी बिल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है. सो ये आपका लोकल एरिया है. लोकल एरिया नेटवर्क जब अगर आप कॉन्फ़िगर करें तो कुछ है फाइल सर्वर आर्किटेक्चर्स हैं और कुछ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हैं, ठीक है. फाइल सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि आप सिर्फ उससे फाइल्स जो है वो अपलोड और डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है. फाइल्स अपलोड और डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है. जैसे आपके अक्सर जो है वो वेबसाइट्स हैं जहां से सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. सो आप वो क्या है, वो सिर्फ फाइल सर्वर आर्किटेक्चर, आपने सिर्फ फाइल डाउनलोड की, ठीक है, या कोई फाइल आपने अपलोड की, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, ये फाइल सर्वर आर्किटेक्चर है. बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर उसको कंप्यूट करता है और अकॉर्डिंगली रिजल्ट भेजता है. जैसे आप अगर अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करना चाह रहे हैं, तो यहां पे आपकी रिक्वेस्ट गई आपके यूजर नेम और पासवर्ड के फॉर्म में, सर्वर आपके यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रिक्वेस्टेड रिप्लाई कर रहा है. अगर तो आपका यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट है तो आपको एक एरर मैसेज आता है कि ये इनकरेक्ट है. अगर तो यूजर नेम और पासवर्ड ठीक था तो अकॉर्डिंगली दूसरा आपके पास जो है वो आपके होम स्क्रीन आ जाती है. सो इन चीजों को जरूर जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में कंसिडर किया जाता है. फर्क सिर्फ ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क में आपके जितना भी हार्डवेयर है, जितना भी इक्विपमेंट है, जितने भी यूजर हैं, वो एक फिजिकल लोकेशन में होते हैं. आइडियली हम कहते हैं विद इन 100 मीटर्स, लेकिन ये 100 मीटर से कम भी हो सकता है, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स के अंदर जो है ये सारा होता है. तो ये आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है. फाइल सर्वर आर्किटेक्चर्स की अगर मजीद बात करें, सो अ डिवाइस दैट मैनेजेस फाइल ऑपरेशंस एंड शेयर्ड बाय ईच क्लाइंट पीसी अटैच्ड टू अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है. सो आपकी, जैसे मैंने बात की कि आपने एक कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क में, आपने एक कंप्यूटर को क्या बना दिया, फाइल सर्वर बना दिया, ठीक है, कि यहां से फाइल्स जो है वो डाउनलोड होंगी, यहां से फाइल्स जो है वो एक्सेस की जा सकेंगी, और अगर किसी ने कुछ अपलोड करना है सो वो अपलोड भी करेगा. सो ये सिंपली कुछ रेडीमेड फाइल्स हैं, कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहां पे पड़े हुए, तो ये फाइल सर्वर है. जैसे अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं, तो हमारे ऑफिस में एक सर्वर कन्फिगर्ड है. अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, या जो है वो और भी कोई रेलेवेंट सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है, तो वो एक सर्वर पर कन्फिगर्ड है. हम सिंपली उस सर्वर को एक्सेस करते हैं, वहां से वो सॉफ्टवेयर्स, वहां से वो फाइल्स हम डाउनलोड करते हैं, वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में ही है. इंस्टेड कि हम इंटरनेट से वही सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करें, ठीक है, वो लोकल एरिया नेटवर्क में जो है वो कन्फिगर्ड है. इस लोकल एरिया नेटवर्क में जो आपने फाइल सर्वर कन्फिगर किया है, जो फाइल ऑपरेशन जो डील कर रहा है, वो यूजी वहां पे एक डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूज होता है. सो वन कॉपी ऑफ द डीबीएमएस इज ऑन द फाइल सर्वर एंड कनकरेंटली रनिंग कॉपीज आर ऑन द क्लाइंट पीसीज, ठीक है. आपकी आपकी जो डेटाबेस है वो लोकल एरिया नेटवर्क पर ही कन्फिगर्ड है, ठीक है. या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क में एक कंप्यूटर को डेटाबेस सर्वर बना दिया, बाकी कंप्यूटर जो है वो उसके क्लाइंट हो गए हैं. तो फाइल सर्वर आर्किटेक्चर क्या होगा, वही फाइल शेयरिंग हो रही है, वही डेटाबेस एक्सेस हो रही है, लेकिन विद इन आप सर्टन ज्योग्राफिकल लिमिट्स हैं, विद इन अ सर्टन ऑफिस है, विद इन अ सर्टन बिल्डिंग है, ठीक है. और जो भी डाटा की मैनिपुलेशन है वो क्लाइंट पीसी पर हो रही है, ठीक है. सो ये कुछ फाइल सर्वर आर्किटेक्चर्स की डिटेल है. अब यहां पर अगर एग्जाम्पल देखें, सो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में
ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, ये केबल के थ्रू एक ये क्लाइंट कनेक्टेड है, केबल के थ्रू एक ये क्लाइंट कनेक्टेड है, केबल के थ्रू एक ये तीसरा क्लाइंट कनेक्टेड है, और इसी केबल के थ्रू कुछ फाइल, एक फाइल सर्वर कनेक्टेड है जिसमें आपकी एक डेटाबेस बनी हुई है। क्लाइंट क्या करते हैं, दे प्रोसेस टेबल्स, स्कैन टेबल्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम, यहां पे यूजर इंटरफेस है, डेटाबेस प्रोसेसिंग है, क्यूरीज जनरेट करते हैं, हैंडल इंटेग्रिटी करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे यहां पे काम हो रहे हैं। फाइल सर्वर में क्या हो रहा है, यहां पे पूरी डेटाबेस सेव है, पूरी फाइल स्टोर है, रिकॉर्ड लॉकिंग यहां पे हो रही है, एक्ट्स लाइक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क टू क्लाइंट, नॉट वेरी बिजी एंड सिग्निफिकेंट लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक। मतलब क्लाइंट देखें तो उसका अपना डीबीएमएस है, उसकी अपनी डेटाबेस की कॉपी है, वो अपने सर्टन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, इसी तरह ये क्लाइंट भी, इसी तरह ये क्लाइंट भी, ठीक है, तो ये सारे इंडिविजुअल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सर्वर को देखें तो ये सबके लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सर्वर जो है वो रिसीव करता है डिफरेंट रिक्वेस्ट के, इस डाटा को लॉक कर दिया जाए, इस डाटा को जो है वो रिट्रीव कर दिया जाए, सो ये डिफरेंट रिक्वेस्ट आ रही है, इन सारी रिक्वेस्ट को आपका फाइल सर्वर डील कर रहा है, या दूसरे अल्फाज में बड़ा सिंपलिस्टिक अगर इसको मैं करके डिफाइन करूं, तो ये आपका फाइल सर्वर है, जिसकी मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि हमारे ऑफिस में एक फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है जहां पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर दिए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सीक्वल सर्वर, वीजियो वगैरह, ये सारे सॉफ्टवेयर। अब अगर इनमें से किसी क्लाइंट को जरूरत है तो सिंपली सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर वो फाइल डाउनलोड करके इसको दे देता है, इसी तरह इसको किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट है, यहां से रिक्वेस्ट करता है। सो यहां पर अगर ट्रैफिक का लोड देखा जाए तो ये कम है, लेकिन अगर इस पर ट्रैफिक का लोड देखा जाए तो इसको तीन डिवाइसेस एक्सेस करनी है, इसको एक्सेस करने वाली ये डिवाइस इटसेल्फ है, ये खुद है, जबकि इसको एक्सेस करने वाली ये तीन डिवाइसेस है, सो यहां पर ट्रैफिक जो है वो ज्यादा है। सो ये एक क्लासिकल फाइल सर्वर मॉडल है फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये सारे ज्योग्राफिकली एक ही लोकेशन पर पाए जाते हैं। अगर हम फाइल सर्वर्स आर्किटेक्चर की लिमिटेशन की बात करें, सो कुछ चीजें हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है, जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले एक्सेसिव डाटा मूवमेंट, ठीक है, अभी मैंने बात की कि ये एक सर्वर है और ये तीन डिवाइसेज हैं, इमेजिन करें कि इस लोकल एरिया नेटवर्क में 30 डिवाइसेज कनेक्टेड हैं और 30 की 30 जो है वो सर्वर को एक्सेस करती हैं, सो यहां पे डाटा मूवमेंट यहां पे जो है वो बहुत ज्यादा, ये 30 रिक्वेस्ट को या 30 कंप्यूटर्स को एंटरटेन कर रहा है, हर कंप्यूटर लेट से दो रिक्वेस्ट एट अ टाइम आ रही है, सो यहां पे 60 रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, सो यहां पे एक्सेसिव डाटा मूवमेंट है नेटवर्क पर, जो है वो कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कोई रिक्वेस्ट जा रही है, किसी को ये रिप्लाई कर रहा है, सो एक्सेसिव डाटा मूवमेंट होती है। इसके अलावा नीड फॉर पावरफुल क्लाइंट वर्क स्टेशन, ये भी होता है कि आप जो है वो अपने, चूंकि कुछ प्रोसेसिंग इन्होंने भी करनी होती है, सर्टन केसेस में इन्होंने भी प्रोसेसिंग करनी होती है, सो इन क्लाइंट्स को भी इनकी प्रोसेसिंग पावर्स जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने सर्वर जो है वो वेरी हाई एंड स्पेसिफिकेशन लगा दिया और क्लाइंट जो है वो वेरी ओल्ड कंप्यूटर पेंटियम 2 या पेंटियम 1 लगा दिए, ठीक है, क्योंकि अब इसको प्रोसेसिंग करने के लिए अगर आपने ओल्ड मशीन लगाई है तो ये काफी टाइम लगा लेगा, काफी डिले इसमें आ सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज डेटा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, या इसमें जो है वो डिसेंट्रलाइज डेटा कंट्रोल होता है, जिसका मतलब ये कॉम्प्लिकेट्स रिकॉर्ड कंकरेंसी कंट्रोल रिकवरी एंड सिक्योरिटी। अगर हम इस एग्जांपल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये हमारे पास एक डाटा, एक लोकल एरिया नेटवर्क है जहां पे, यहां पे डेटाबेस होस्ट हो रही है और बाकी कॉपीज ऑफ द डेटाबेस यहां पे भी स्टोर हो रही है, ये अपनी कॉपी को यूज करता है डेटाबेस की, ये अपनी कॉपी को यूज करता है, ये अपनी कॉपी को यूज करता है, ठीक है, कॉपी में जो चेंजेस आती हैं ये रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को कि इस चेंज को रिकॉर्ड कर दें, इस चेंज को लॉग कर दें, इस चेंज को अकोमोडेट कर दें, इसी तरह यहां से भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, सो इसी वजह से यहां पे एक्सेसिव रिक्वेस्ट भी आ रही हैं, चूंकि लोकल एरिया नेटवर्क के उस क्लाइंट ने खुद से डेटाबेस की कॉपी रखी हुई है और खुद से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको भी पावरफुल होना चाहिए और कंकरेंसी, रिकवरी, सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को जरूर कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स, जिसमें हम क्या करें कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इज डिवाइडेड बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। यहां पे ये हो रहा था कि ये खुद से कोई प्रोसेसिंग कर रहे थे, ठीक है, ये खुद से प्रोसेसिंग मैनिपुलेशन कर रहे थे, ये उसको सिंपली उन चेंजेस को लॉक कर रहा था, जबकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का जो एक एडिशनल डिजाइन फीचर है वो ये है कि आपकी सारी प्रोसेसिंग आपके सर्वर पर हो रही है, ठीक है,
क्लाइंट को सिर्फ एक इंटरफेस मिले हुए, बाकी सारी प्रोसेसिंग आपके सर्वर पर हो रही है. सो डेटाबेस सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा स्टोरेज एंड क्यूरी प्रोसेसिंग. लोकली कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, सारी चीजें आपके डाटा सर्वर पर हो रही हैं. जिस तरह आप अगर फेसबुक में लॉग इन करते हैं, सो फेसबुक पर लॉग इन करना, आपके कंप्यूटर पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, आपके कंप्यूटर ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजी है, सर्वर वहां पे उसको एंटरटेन कर रहा है, देख रहा है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है या नहीं है, ठीक है, और फिर रिप्लाई जो है वो अकॉर्डिंगली, इंटरफेस जो है वो अकॉर्डिंगली क्लाइंट को दे दिया जाता है. सो आपकी लोकल एरिया नेटवर्क ने कोई, इस क्लाइंट ने कोई प्रोसेसिंग नहीं की, अनलाइक द प्रीवियस आर्किटेक्चर फाइल सर्वर आर्किटेक्चर जिसमें क्लाइंट खुद भी कोई प्रोसेसिंग कर रहे थे. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट किसी किस्म की प्रोसेसिंग, किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं करते, वो सिंपली रिक्वेस्ट करते हैं, वहां से जो है वो चीजें आ जाती हैं. जिसकी अगर दूसरी एग्जांपल ये दी जाए, तो क्लाइंट जो है वो यहां पर तैयार खाना खाते हैं, रिक्वेस्ट की खाना चाहिए मुझे और खाना जो है वो उनको आ जाता है. खाना पकाना, खाना तैयार करना, खाना डिलीवर करना, ये सारे का सारा सर्वर का काम है. जबकि पिछले केस में यहां पर ये क्लाइंट जो है ये खुद भी इन्वॉल्व है खाना तैयार करने में, खाने को जो है वो प्रिपेयर करने में. सो ये डिफरेंस है फाइल सर्वर आर्किटेक्चर में और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में. सो आपका सर्वर जो है वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा स्टोरेज, क्यूरी प्रोसेसिंग, सारी चीजें सर्वर पर है, क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट करता है. अब यहां पर अगर देखा जाए, इसको अगर हम कंपेयर करें, सो क्लाइंट ने क्या किया, सिर्फ डाटा की रिक्वेस्ट की, बाकी प्रोसेसिंग यहां पर हो रही है और उसके रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं. अगर आप अपने सीएमएस सर्वर पर अपने प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आपकी कंप्यूटर ने कोई प्रोसेसिंग नहीं की रिजल्ट की मैनिपुलेशन के हवाले से, रिजल्ट को इवेल्युएट करने के हवाले से. आपके कंप्यूटर से सिर्फ यह हुआ कि एक रिक्वेस्ट गई कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर जिसने करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया है, इसका रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया जाए. सो रिट्रीवल भी वहां पर हो रहा है, क्या चीज एग्जैक्टली शो करनी है वो भी, क्यूरी प्रोसेसिंग भी वहां पर हो रही है, यहां पर सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है. सो क्लाइंट पर क्या हो रहा है, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस एंड डाटा मैनिपुलेशन फंक्शंस. जब आपने रिक्वेस्ट कहां पे की, एलएमएस के लॉगिन पेज पर, ठीक है, lms.vcompsearch.edu.pk पर आप जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये lms.vcompsearch.edu.pk ये आपका इंटरफेस है. सो क्लाइंट पर सिर्फ इंटरफेस है, इंटरफेस के थ्रू रिक्वेस्ट गई है, सारी प्रोसेसिंग, सारी डेटाबेस, सारी मैनिपुलेशन पीछे सर्वर पर हो रही है. सो पीछे जो है वो डेटाबेस इंजन लगा हुआ है, डीबीएमएस चल रहा है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो कि डेटाबेस की सारी चीजें जो है वो खुद से डील कर रहा है. और इस सर्वर को सिर्फ इस एक क्लाइंट को नहीं देखना, बल्कि ऐसे हजारों क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं इस सर्वर के साथ, तो वो सबको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहा है. सो दैट इज दी मेन डिफरेंस. इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एपीआई. एपीआई का नाम आपने अक्सर सुना होगा. एपी क्या है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन को इंश्योर कर रहा है क्लाइंट सर्वर के दरमियान जो डाटा एक्सचेंजेस होती हैं उस तरीके से, उसको फैसिलिटेट करने के लिए. अब डिफरेंट कम्युनिकेशंस हैं जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बेस पर हैं. लेट्स से अगर मैं बात करता हूं ऑनलाइन बैंकिंग की, तो अगर मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोई करना चाह रहा हूं, यहां पे भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन्वॉल्व है. अगर आप एलएमएस सर्वर पर कोई अपना डाटा देखना चाह रहे हैं, अपलोड करना चाह रहे हैं, ये भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है. इसी तरह और भी ढेर सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई किसी कंपनी का एम्प्लॉई है, वो ये देखना चाह रहा है कि मेरे इस महीने का बोनस कितना कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, या कमीशन मेरा कितना कैलकुलेट हुआ है, इस केस में भी वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है. सो ये भी एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की कम्युनिकेशन की ढेर सारी एग्जाम्पल हैं. सो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारे पास कुछ एपीआईज हैं, हमारे पास कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं, जो कि इस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, जो कि इस डाटा एक्सचेंज को सपोर्ट करते हैं. सो कॉमन एपीआई इंटरफेस जो है वो डिफरेंट क्लाइंट और किसी भी डीबीएमएस को यूज करने के लिए, किसी भी डीबीएमएस को फैसिलिटेट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं. कई किस्म के डीबीएमएस है हमारे पास, कई किस्म की डेटाबेस सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डीबीएमएस है, आपका एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस है, आपका ओरिकल एक डेटाबेस है, आपका माई सीक्वल एक डेटाबेस है, आपका डीबी टू डेटाबेस टू ये एक डेटाबेस है. अब इसके क्लाइंट ओरिकल का क्लाइंट है या सीक्वल सर्वर का क्लाइंट है, ये सर्वर के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे, कैसे इनके दरमियान डाटा एक्सचेंज होगा, आपके लिए आप
आपके पास ऐसी रेडीमेड एपीआईज मौजूद हैं, आप इन एपीआईज को यूज करते हुए इस कम्युनिकेशन को, इस डेटा एक्सचेंज को ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से, ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड फैशन में डील कर सकते हैं। जब भी आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं तो कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ आपको सर्टन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स के फायदे क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि आप जो है वो आपने एक जगह पर सर्वर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, उसके कई क्लाइंट्स हैं, तो इंस्टेड के आप सारे क्लाइंट्स को पावरफुल करें, हर कोई अपनी प्रोसेसिंग करे, आपने एक पावरफुल मशीन लगा दी और जो है वो सारा काम कर रही है, वो एज अ सर्वर है, ठीक है, वो सर्व कर रही है, बाकी क्लाइंट्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं तो ये सर्वर सर्व कर रहा है उसको। प्रोसेसिंग परफॉर्म क्लोज टू डेटा सोर्स, अब इसी सर्वर पर डेटाबेस भी इंस्टॉल्ड है, सारा डेटा भी यहां पर है, अगर कोई क्यूरी आती है तो वो क्यूरी इसी जो लोकली डेटाबेस है वहीं से ही एग्जीक्यूट हो रही है, वहीं पर प्रोसेस हो रही है, वहीं पर मैनिपुलेट हो रही है और यहां से रिजल्ट जो है वो रिट्रीव होके दे दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपने डाटा लोकली सेव किया हुआ है, इसी सर्वर पर सेव किया और यहीं पर प्रोसेसिंग हो रही है, लोकली प्रोसेसिंग हो रही है, इसका फायदा यह हुआ कि रिस्पॉन्स टाइम भी इंप्रूव हो गया और रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक भी हो गई, ठीक है, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक भी हो गई है, यहीं पर ही प्रोसेसिंग हुई है और यहीं से सिर्फ जो है वो रिजल्ट्स इसके डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कि एक आप ये समझें कि एक ऑफिस में मैनुअल फाइल स्टोर है, एक ऐसा स्टोर है, ठीक है, जिसमें सारी फाइल्स जो है वो पड़ी हुई हैं। अब अगर किसी को कोई फाइल चाहिए तो वो इसी ऑफिस में आता है, यहीं से ही वो फाइल ढूंढता है, यहीं से वो रिकॉर्ड रिट्रीव करता है, फाइल दोबारा सेव करके वापस चला जाता है। तो आपने एक ही जगह पर रखा हुआ है, सारी प्रोसेसिंग इस एक फाइल रूम में हो रही है। अगर लेट से आपने इन फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ फाइलें वहां पर रख दी, कुछ दूसरे रूम में रख दी, कुछ दूसरे रूम में रख दी, अब अगर किसी एक क्लाइंट को फाइल चाहिए तो वो घूमेगा कि किस रूम में मेरी फाइल पड़ी हुई है, फिर जिस रूम में से उसको पता चलेगा वहां पर फिर लोकली प्रोसेसिंग होगी। सो बेहतर यह कि आपने सारी फाइल्स एक ही रूम में रख दी है, सारे रिकॉर्ड्स एक ही रूम में रख दिए, जिसको चाहिए वो यहां पे आता है, देखता है, रिट्रीव करके चला जाता है। आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि आपने डाटा को जो है वो यहीं पे ही लोकली सेव किए हुए, यहीं पे उसकी मैनिपुलेशन हो रही है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अब पिछली एग्जांपल में आपके यूजर को फिजिकली मूव करके इस फाइल रूम में आना पड़ता था। अगर हम कंप्यूटर के क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल की बात करें तो आपके क्लाइंट को फिजिकली मूव होकर नहीं आना पड़ेगा, वो अपने कंप्यूटर से बैठ के रिक्वेस्ट करे, सिंपली रिक्वेस्ट आई, इस सर्वर ने रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया, यहीं से डाटा को मैनिपुलेट किया और रिक्वेस्ट आपको भेज दी। जिस तरह आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट देखना चाहते हैं, वहां से सिर्फ रिक्वेस्ट आई, ठीक है। अब यहां पे जो सर्वर पड़ा हुआ है वो आपकी रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, वो डेटाबेस में से रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहा है, जो रिजल्ट आया है वो उसने आपको भेज दिया और आपके इंटरफेस पर वो रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा इनकरेजेस एक्सेप्टेंस ऑफ ओपन सिस्टम्स, हमारे पास कुछ लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं, कुछ ओपन सिस्टम्स हैं, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी इन कंसिडरेशंस को सामने रखते हुए मजीद चीजें जो है वो फैसिलिटेट करता है, तो ये भी एक एडवांटेज में आता है। कॉशंस क्या है आपके पास, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? डिफिकल्ट माइग्रेशन फ्रॉम फाइल सर्वर टू क्लाइंट सर्वर, अगर आपका पहले आर्किटेक्चर फाइल सर्वर बना हुआ था, ठीक है, और अब अगर आप इसको क्लाइंट सर्वर में चेंज करना चाहते हैं, डिफरेंस याद रखिएगा फाइल सर्वर का और क्लाइंट सर्वर का। फाइल सर्वर में यह था कि एक सर्वर था लेकिन पूरी डेटाबेस की कॉपी लोकल मशीन्स पर भी पड़ी हुई थी, ठीक है, और वो जो चेंजेस करते थे वो सिर्फ चेंजेस यहां पर आते थे, जबकि फाइल सर्वर में यह है कि आपकी कॉपीज नहीं पड़ी क्लाइंट के पास, आपकी डेटाबेस जो है वो इसी सर्वर पर पड़ी हुई है, वहां से सिर्फ एक इंटरफेस के थ्रू रिक्वेस्ट आ रही है, तो सारी मैनिपुलेशन यहां पर हो रही है। तो अगर पहले आपके पास फाइल सर्वर आर्किटेक्चर और अभी आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर जाना चाह रहे हैं, सो ये माइग्रेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कुछ माइग्रेशन इश्यूज हैं। इसी तरह कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, लेट्स से फाइल सर्वर आर्किटेक्चर एक किस्म के डीबीएफ में बना था, जो हार्डवेयर मशीन थी उनकी कुछ लेट्स से डेल की मशीन थी, कुछ जो है वो आईबीएम की मशीन थी, अब हार्डवेयर यहां पर डिफरेंस हो सकता है, इन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। और लिमिटेड सिस्टम डिजाइन एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स, ठीक है, ओवरऑल जो है वो आपके मॉनिटरिंग टूल सिस्टम की कितनी परफॉर्मेंस है, ठीक है, पहले ऐसे टूल्स कम अवेलेबल थे, अब ऐसे टूल्स भी डेवलप हो गए हैं, सो ये जो एडवांटेज जो कि डिसएडवांटेज या लिमिटेशन थी ये भी आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम, आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रही है।
अगर हम फाइल सर्वर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स को आपस में कंपेयर करें, ठीक है, तो इनमें कई डिफरेंसेस हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये वो आर्किटेक्चर्स हैं। आइए इनको कंपेयर करते हैं। प्रोसेसिंग कहां पर अच्छी होती है, फाइल सर्वर में या क्लाइंट सर्वर में? तो प्रोसेसिंग फाइल सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो सारी प्रोसेसिंग क्लाइंट पर हो रही है, क्लाइंट पर हो रही है, जबकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो कुछ प्रोसेसिंग आपकी क्लाइंट भी कर रहा है लेकिन मेनली प्रोसेसिंग आपकी सर्वर के साथ हो रही है। कंकरेंट पैरेलल, पैरेलल डेटा एक्सेस अगर करनी हो सो फाइल सर्वर में लो है वो, मैनेज बाय ईच क्लाइंट, क्योंकि हर के पास अपने डेटाबेस की कॉपी है। यहां पे क्लाइंट में वो हाई है क्योंकि सारी चीजें सर्वर खुद से मैनेज कर रहा है। नेटवर्क यूजेज की बात करें तो लार्ज फाइल एंड डाटा ट्रांसफर्स, ठीक है, एक क्लाइंट ने डाटा को जो है वो मैनिपुलेट किया, रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, वो पूरी रिक्वेस्ट जो है वो यहां पर आ रही है, लेट्स से वो 10 MB की रिक्वेस्ट थी, 10 MB का डाटा था जो कि इस मेन फाइल सर्वर पर सेव होना है, ठीक है। इसी तरह ढेर सारे ऐसे यूजर्स हैं। क्लाइंट सर्वर की अगर बात करें तो आपकी सारी डाटा प्रोसेसिंग मैनिपुलेशन चूंकि सर्वर पर हो रही है इसलिए नेटवर्क पर लोड जो है वो कम से कम है, सिर्फ रिक्वेस्ट आ रही है और उनके अगेंस्ट मैनिपुलेशन जो है वो लोकली हो रही है। डेटाबेस की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी की बात करें सो फाइल सर्वर आर्किटेक्चर में लो है, क्यों? क्योंकि हर एक के पास जो है वो अपने डेटाबेस की कॉपी है, जबकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यहां पे सिक्योरिटी हाई है। आपने अगर सर्वर को सेफ सिक्योर कर दिया तो आपका सारा नेटवर्क, सारी डेटाबेस, सारे क्लाइंट सेफ सिक्योर हो गए। मेंटेनेंस की अगर बात करें सो फाइल सर्वर में मेंटेनेंस स्लो है या लो है, जबकि सॉफ्टवेयर चेंजेस जस्ट ऑन सर्वर, ठीक है, जबकि अगर क्लाइंट सर्वर की बात करें तो अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो आपको हर जगह पे वो अपडेट्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं। हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें सो क्लाइंट और सर्वर, फाइल सर्वर की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे कुछ क्लाइंट जो है सर्वर जो है वो डिकपल्ड है और मिक्स है, जबकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसमें हार्डवेयर और सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी टफर है, थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि वेरिएशन हो सकती है हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स की, वेरिएशन हो सकती है डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो फाइल सर्वर और क्लाइंट सर्वर में ये डिफरेंस है। ग्राउंड रियलिटी अगर बताऊं तो हमारे पास मोस्टली आर्किटेक्चर्स जो हैं बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर के, चूंकि एडवांटेजेस ज्यादा हैं, इट इज रादर इजियर देन अ फाइल सर्वर आर्किटेक्चर, सो आप क्लाइंट सर्वर को ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा अच्छे तरीके से आप यूज करते हैं। अगर कुछ हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एडवांस फॉर्म की बात करें तो हमारे पास एक थ्री टेयर आर्किटेक्चर है, थ्री टेयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यहां पे थ्री टेयर्स क्या है, ये लॉजिकली जो है वो आपने इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ, एक है आपकी डाटा मैनेजमेंट लेयर, दूसरी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर और तीसरी आपकी एनालिसिस लेयर, ठीक है। सो थ्री लॉजिकल एंड डिस्टिंग एप्लीकेशन, इसके अलावा आपके मिडलवेयर होते हैं और इसके अलावा आपका एप्लीकेशन सर्वर होता है। सो यहां पर अगर हम देखें एप्लीकेशन में हमारे पास कुछ डाटा मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, कुछ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन और कुछ एनालिसिस एप्लीकेशन है। मिडलवेयर है हमारे पास, मिडलवेयर क्या है, कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है और वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दैट ब्रिंग टुगेदर दीज थ्री डिस्टिंग एप्लीकेशन इन टू वन एनवायरमेंट। अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर इन्वॉल्व है, उसमें डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है। सो मिडलवेयर जो है वो इन सब की आपस में कोऑर्डिनेशन को आसान बनाता है, जिसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर वी कॉमसेट्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स अपने स्मार्टफोन से अपने रिजल्ट्स को एक्सेस कर रहे हैं, रिजल्ट को व्यू करना चाह रहे हैं। अब स्मार्टफोन का हार्डवेयर आर्किटेक्चर डिफरेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, कुछ अपने लैपटॉप से कर रहे हैं, लेट्स से उनके लैपटॉप में जो है वो एप्पल का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, हार्डवेयर भी डिफरेंट हो गया, सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट हो गया, कुछ जो है वो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें लेट्स से विंडोज एक्सपी इंस्टॉल्ड है वहां से देख रहे हैं। सो ये डिफरेंट चीजें हैं। मिडलवेयर क्या करते हैं, इन टेक्नोलॉजीज को, इन डिफरेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, और रिगार्डलेस कि आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड हैं, आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका हार्डवेयर आर्किटेक्चर क्या है, ये चीजें फैसिलिटेट हो जाती हैं, और आपका सर्वर जो है वो इन फंक्शंस को एनालाइज करते हुए सर्टन सर्टन परफॉर्मेंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। सो दैट इज सम एडवांस फॉर्म ऑफ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये अगर हम थ्री टियर मॉडल की बात करें, इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एप्लीकेशन कैन बी पार्टीशन इन अ वे दैट बेस्ट फिट्स द ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स नीड, ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल नीड के अकॉर्डिंगली ट्यून कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन आसान है, ठीक है, यहां पे भी ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि कस्टमाइजेशन को और आसान करती हैं। रीजन ये है कि आपकी जो कोड है वो पूरे का पूरा सर्वर पर पड़ा हुआ है,
आपको जो चेंज करनी है वो सिर्फ सर्वर पर करनी है. लेट से आप अपनी डेटाबेस का टाइटल चेंज कर रहे हैं, सारे क्लाइंट्स पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, या कंपनी का लॉगो अगर चेंज करें तो वो पूरे क्लाइंट्स पर चेंज करने की जरूरत नहीं है. आपने एक सर्वर पर चेंज कर दिया, सारे के सारे उस पर जो है वो चेंज अकोमोडेट हो जाती है. मेंटेनेंस की अगर बात करें आपकी मेंटेनेंस भी जो है वो भी इजी है, क्योंकि डाटा एनालिसिस इज सेपरेट फ्रॉम यूजर इंटरफेस. सो चेंजिंग वन कैन बी डन इंडिपेंडेंटली ऑफ द यूजर. क्या कर रहा है डजंट मैटर. कोई भी चेंज आपने करनी है सर्वर पर आप चेंज करें, यूजर उसे इफेक्ट नहीं होगा, यूजर सिर्फ उसको व्यू कर सकता है. चूंकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में या थ्री टीयर आर्किटेक्चर की अगर बात करें जो कि करंटली हम यूज कर रहे हैं, क्लाइंट जो है वो सिर्फ व्यू कर रहे हैं चीजों को, एनालिसिस जो है वो आपका या मैनिपुलेशन या क्यूरी प्रोसेसिंग या सर्वर पर हो रही है, ठीक है. इसलिए ढेर सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं. क्लाइंट को सिर्फ एक विंडो मिली हुई है, क्लाइंट को सिर्फ एक इंटरफेस मिला हुआ है जिसके थ्रू वो रिमोट साइट पे बैठे रिमोट साइट के सर्वर को एक्सेस कर रहा है और क्यूरी कर रहा है. हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को डिजाइन करने की कई अप्रोचेस हैं. एक है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंटेशन, रिमोट प्रेजेंटेशन, रिमोट डाटा मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. तो ये हमारे पास छह किस्म के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं क्लाइंट सर्वर को बनाने के. आइए इनको ब्रीफली देखते हैं. यहां पर क्या होगा अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंटेशन की बात करें. सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंटेशन. इसमें क्या है, क्लाइंट ना मैनेजमेंट कर रहा है ना एनालिसिस कर रहा है, क्लाइंट को सारी सिर्फ चीजें प्रेजेंट हो रही हैं, बाकी सर्वर सारे काम कर रहा है. मैनेजमेंट भी सर्वर कर रहा है, एनालिसिस भी कर रहा है और प्रेजेंटेशन जो है वो क्लाइंट के लिए तैयार करके दे रहा है. अगर तीन फंक्शंस है हमारे पास, मैनेजमेंट, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन, क्लाइंट कुछ भी नहीं कर रहा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंटेशन में, सर्वर सारी चीजें कर रहा है. दूसरे केस में अगर रिमोट प्रेजेंटेशन की बात करें, इस केस में भी क्लाइंट कुछ भी नहीं कर रहा, ना मैनेजमेंट कर रहा ना एनालिसिस कर रहा है, मैनेजमेंट और एनालिसिस सर्वर ही कर रहा है, प्रेजेंटेशन सिर्फ क्लाइंट पर हो रही है. इवन जो आपका सर्वर है वो भी प्रेजेंटेशन ही कर रहा है, हम रिमोट प्रेजेंटेशन कह रहे हैं. रिमोट का मतलब ये है कि क्लाइंट एक रिमोट साइट है, तो प्रेजेंटेशन सिर्फ रिमोट मशीन पर, रिमोट यूजर की मशीन पर होगी. जबकि पिछले केस में देखें, डाटा डिलीवर टू क्लाइंट यूजिंग सर्वर प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी, सर्वर उसको प्रेजेंट कर रहा है, सर्वर उसको तैयार कर रहा है और सर्वर पर जो चीज प्रेजेंट, सर्वर भी प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व है. रिमोट प्रेजेंटेशन में सर्वर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ जो है वो क्लाइंट आपका फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. तीसरी अगर बात करें रिमोट डाटा मैनेजमेंट की, यहां पे एनालिसिस और प्रेजेंटेशन में क्लाइंट इन्वॉल्व है, जबकि डाटा मैनेजमेंट जो है वो सारी सर्वर पर हो रही है. मतलब डाटा, न्यू डाटा सेव होना, पुराने डाटा को डिलीट करना, ये सारे मैनेजमेंट चीजें सर्वर पर हो रही है, उसका एनालिसिस, रिट्रीवल और उसकी प्रेजेंटेशन क्लाइंट पर हो रही है. चौथी बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट आपकी सर्वर पर हो रही है, एनालिसिस, कुछ एनालिसिस आपका क्लाइंट पे हो रहा है, कुछ एनालिसिस जो है वो आपका सर्वर पर हो रहा है. प्रेजेंटेशन की बात करें, सर्वर पर किसी किस्म की प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन आपकी क्लाइंट साइड पर हो रही है. पांचवी बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की, जैसा कि नाम से जाहिर है डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट है, किसी एक लोकेशन पर डेटाबेस नहीं है, शेयर्ड है, ठीक है. सो डाटा मैनेजमेंट कुछ लोकल हो रही है, कुछ जो है वो शेयर्ड हो रही है, ठीक है, कुछ जो है वो शेयर्ड आपका सर्वर भी कर रहा है. आपका क्लाइंट भी डेटाबेस को यूज कर रहा है, डाटा को मैनेज कर रहा है और आपका सर्वर भी कर रहा है. एनालिसिस आपका क्लाइंट भी कर रहा है, सर्वर पर कोई एनालिसिस नहीं हो रहा, सर्वर पर कोई प्रेजेंटेशन नहीं हो रही. एनालिसिस और प्रेजेंटेशन आपकी क्लाइंट और सर्वर, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन आपकी क्लाइंट पर ही हो रही है. एंड लास्टली वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, जैसा कि नाम से जाहिर है प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में हो रही है. मैनेजमेंट की अगर बात करें, क्लाइंट पर जो है वो लोकल डाटा मैनेजमेंट हो रही है, जबकि सर्वर पर जो है वो शेयर्ड डाटा मैनेजमेंट हो रही है. एनालिसिस की बात करें, डाटा रिट्रीव बोथ फ्रॉम बोथ क्लाइंट एंड सर्वर फॉर एनालिसिस, क्लाइंट भी एनालिसिस कर रहा है, सर्वर भी एनालिसिस कर रहा है. और प्रेजेंटेशन की बात करें, आपकी सारी प्रेजेंटेशन क्लाइंट पर हो रही है, जबकि सर्वर किसी किस्म की प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है. ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को कंबाइन कर रही है. इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, मैनेजमेंट भी आसान हो जाती है, एनालिसिस भी इससे काफी आसान हो जाता है. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग.
लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स दी समरी ऑफ टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने उन डिजाइन सिस्टम्स की बात की जिनका आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि स्प्लिट है, जो कि फिजिकली डिफरेंट लोकेशंस पर हैं. उनके लिए हमें क्या डिजाइन कंसिडरेशंस जहन में रखने चाहिए, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया. हमारे पास मेनली दो किस्म के आर्किटेक्चर्स हैं, फाइल सर्वर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. यहां पे भी सर्वर है और क्लाइंट्स हैं, यहां पे भी सर्वर और क्लाइंट्स हैं. डिफरेंस ये है कि यहां पे क्लाइंट्स के पास लोकल कॉपी ऑफ द डेटाबेस है और वो उसको लोकली प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और सर्वर के साथ उस चेंजेस को एकोमोडेट करते हैं, सर्वर के साथ उन चेंजेस को सिंक्रोनाइज करते हैं. जबकि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की अगर बात करें, सो आपकी सारी की सारी प्रोसेसिंग, सारी की सारी मैनिपुलेशन सर्वर पर हो रही है. क्लाइंट पर सिर्फ एक इंटरफेस है, क्लाइंट सिर्फ वो चीजें रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट आती है, सर्वर उसको एंटरटेन करता है, सर्वर उसको रिप्लाई करता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है. सो सारी चीजें सर्वर पर हो रही हैं. तो दोनों की कुछ एडवांटेजेस हैं, दोनों की कुछ लिमिटेशंस हैं. हमें जो है वो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए. ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है. सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चाहे फाइल सर्वर आर्किटेक्चर हो या चाहे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो, सर्टन डिजाइन कंसिडरेशंस हैं जिनको आप देखते हैं. आपने किस किस्म का हार्डवेयर यूज किया है, वो हार्डवेयर आपस में कंपैटिबल है या नहीं है, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन सी एपीआईज हैं, आपका कनेक्शन टाइप क्या होना चाहिए, किस लोकेशन पर रखें, कौन सी साइट पर किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है. ये सारी चीजें डिजाइन कंसल्टेशन में आती हैं. और इसके अलावा हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन के हमने 6 मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स पढ़े, ठीक है. और हर एक में देखा हमने कि मैनेजमेंट क्लाइंट पे हो रही है या सर्वर पे हो रही है, एनालिसिस क्लाइंट पे हो रहा है या सर्वर पे हो रहा है, और प्रेजेंटेशन रिजल्ट्स का डिस्प्ले होना वो क्लाइंट पे हो रहा है या सर्वर पे हो रहा है. सो हमारे पास ऐसी 6 कॉम्बिनेशंस हैं. इन कॉम्बिनेशंस में से किसी एक को यूज करते हुए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं. सो हमने नीड देखनी होती है, हमने उस बिजनेस प्रोसेस की नीड, उस बिजनेस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट किस किस्म के आर्किटेक्चर से फुलफिल हो सकती है, उनको हमने कंसिडर करना होता है. उनको हमने देखते हुए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का कोई एक या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कोई एक आर्किटेक्चर जो है, कोई एक अप्रोच हमने सेलेक्ट करनी होती है. आइए बात करते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इंटरनेट की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो सिस्टम जो कि इंटरनेट बेस्ड है, जहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएगी. ऐसे सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए आपको क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, किस किस्म के स्टैंडर्ड किन लेयर्स पर आते हैं, उनको हम देखेंगे. और आपने कंसिस्टेंसी, इंटेग्रिटी, इसको भी इंश्योर करना होता है. ऐसे सिस्टम्स में इंटेग्रिटी कैसे इंश्योर करेंगे उसको भी देखेंगे. और साइट मैनेजमेंट इश्यूज, कुछ साइट आपकी एक लोकेशन पर हैं, कुछ साइट आपकी दूसरी लोकेशन पर हैं, ये दो डिफरेंट साइट्स आपस में इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड हैं. अब मैनेजमेंट के इश्यूज आ सकते हैं, ये मैनेजमेंट के इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे, कैसे इनको देखा जाता है, इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे. और हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की, ओटीपी. ऑनलाइन डाटा के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं तो वहां पर किस किस्म के ऐसे इश्यूज आ सकते हैं. दीज आर गोइंग टू बी द आउटलाइंस ऑफ अवर नेक्स्ट लेक्चर. दिस एंड्स अवर लेक्चर हेयर. आई होप यू एंजॉयड इट. आई विल सी यू विद मोर डिटेल्स. अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़.